नाउ लेट्स मूव टू आवर थर्ड कैटेगरी दैट इज अंडर 3000। तो इसके अंदर तो आपको सारी ही जो स्मार्ट वॉचेस मैं बताने वाला हूँ सबके पास एमोलेड डिस्प्ले कॉलिंग का फीचर देखने को मिलेगा, कुछ एक्स्ट्रा ही फीचर्स देखने को मिलेंगे, कम फीचर्स नहीं देखने को मिलेंगे। इसमें सबसे पहले आती है फायरबोल्ट की तरफ से विजनरी। ये स्मार्ट वॉच मैं पता नहीं कितनी बार रिकमेंड कर चुका हूँ अपनी वीडियोज वगैरह में, और ये स्मार्ट वॉच बहुत तगड़ी लगती है। और इसका जो करंट प्राइस है वो आपको 3800 रुपये देखने को मिलता है, और सेल में हो सकता है कि इसका जो प्राइस है वो आपको 3000 के अराउंड देखने को मिल जाएगा। और इसके अंदर आपको बहुत तगड़ी डिस्प्ले देखने को मिलती है, कॉलिंग का फीचर, साथ में आपको TWS पेयरिंग का फीचर देखने को मिलता है, और थोड़ी बहुत आपको स्टोरेज भी देखने को मिल जाती है। तो ये काफी अच्छा ऑप्शन बन जाएगा अगर ये 3000 के अंडर आती है तो। अगर आप राउंड डायल स्मार्ट वॉच के शौकीन हो तो यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा नॉइज की तरफ से इवॉल्व 3। इसके अंदर आपको 1.43 इंचेस की अच्छी बड़ी डिस्प्ले देखने को मिलती है, ब्लूटूथ कॉलिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, और एमोलेड डिस्प्ले है वो तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। और इसके अलावा इसके अंदर आपको बस प्लास्टिक बिल्ड देखने को मिलती है, सिर्फ ये चीज़ डाउनग्रेड है, बाकी आपको अच्छी स्मार्ट वॉच देखने को मिलती है। और इसका प्राइस करंटली तो 4000 के आसपास है, बट ये आपको 3000 के अराउंड देखने को मिल जाएगी। इसी के साथ एक और राउंड डायल वाली स्मार्ट वॉच है, दैट इज बोल्ट की तरफ से रोवर प्रो। इसके अंदर आपको सेम फीचर देखने को मिलते हैं, बट इसका जो प्राइस है वो आपको 2700 से 2800 के अराउंड देखने को मिल जाएगा, यानी कि नॉइज इवॉल्व 3 का जो प्राइस रहने वाला है उससे भी कम थोड़ा सा। अच्छा, इसके बाद अगर आपको एक रगड़ बिल्ड वाली स्मार्ट वॉच चाहिए तो ये आएगी फायरबोल्ट कोबरा। ये काफी ज्यादा रगड़ फील वाली स्मार्ट वॉच है, और ये जो प्राइस है इस टाइम पे इसका जो प्राइस है वो आपको 3300 देखने को मिलता है, बट ये सेल वगैरह में आराम से आपको 3000 के अंडर देखने को मिल जाएगी। और इसके अंदर आपको बिल्ड क्वालिटी तो अच्छी देखने को मिलती है, साथ में जो कॉलिंग का फीचर है वो भी देखने को मिल जाएगा, और एमोलेड डिस्प्ले भी आपको इसमें देखने को मिलती है। तो ये स्मार्ट वॉच भी काफी अच्छा ऑप्शन बन जाता है जिनको रगेड फील वाली स्मार्ट वॉच चाहिए तो। इसके अलावा दो स्मार्ट वॉचेस और आती है, एक तो है कर्ल स्पोर्ट की तरफ से बर्न, जिसका मैं रिव्यू वगैरह कर चुका हूँ, वो आप चेकआउट कर सकते हो। और इसके अलावा फायरबोल्ट विजनरी का भी आपको हमारे वीडियो, हमारे जो चैनल है उसके ऊपर एक वीडियो मिल जाएगी, कम्प्लीटली मैंने डिटेल रिव्यू करा है, अगर आप वो भी देखना चाहते हो तो ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वो आप चेकआउट कर सकते हो। तो कर्ल स्पीड बर्न में भी आपको 1.78 इंचेस की एमोलेड डिस्प्ले कॉलिंग का फीचर, और इसमें अगर आप ट्रैकिंग की बात करो तो इसमें जो ट्रैकिंग का ऑप्शंस हैं वो आपको काफ़ी अच्छे देखने को मिल जाते हैं, और काफ़ी एक्यूरेट आपको ट्रैकिंग देखने को मिलेगी। इसके अलावा एक और ऑप्शन है नॉइज की तरफ से कलरफिट अल्ट्रा 2, और इसमें भी आपको काफ़ी अच्छे फीचर देखने को मिल जाते हैं, वही मतलब कॉलिंग का फीचर, एमोलेड डिस्प्ले, जेस्चर्स कंट्रोल वगैरह देखने को मिल जाते हैं। तो ये भी फीचर आपको अच्छे देखने को मिलते हैं, और इसका जो प्राइस रेंज है वो आपको 2700 से 2800 के आसपास देखने को मिलेगा, और कर्ल स्पोर्ट बर्न जो है वो अब मेरे ख्याल से आपको 2500 के अंडर भी देखने को मिल सकती है। दोस्तों, आज की इस वीडियो की लास्ट कैटेगरी की तरफ जाने से पहले, अगर आप अभी तक ये वाली वीडियो देख रहे हो और आपको अच्छी लग रही है, हेल्पफुल लग रही है, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करने में शर्माना मत। इसके अलावा आपको जो भी स्मार्ट वॉच मैं बता रहा हूँ उसको ढूंढने के लिए आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, नीचे डिस्क्रिप्शन में जाओ, सबके लिंक्स आपको कैटेगरी वाइज देखने को मिल जाएंगे, वहाँ से आप डायरेक्टली चेकआउट भी कर सकते हो और परचेज भी कर सकते हो।